नो सर। नहीं। ओके सो लास्ट क्लास के अंदर हमने टेंशन कंप्लीट किया था। ओके और दो तीन क्वेश्चंस किए थे। अब थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, टेंशन वाले क्वेश्चंस, मतलब टेंशन वाले में और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करते हैं। राइट सो ये क्वेश्चन क्या है, एक पुली है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास लेट से 10 kg है, इसका मास लेट से 20 kg है। तुम्हें फाइंड करना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा और ये पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन कितना होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। समझ में आ रहा है सबको? जल्दी से ट्राई करो, 2 मिनट है। चलो देखो क्या करना है इसमें। 20 kg है, 10 kg है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 20 kg का पहले बनाते हैं। तो 20 kg पे सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा mg तेरी जितना, वजह से डांट पड़ गई मेरे को टेंशन फिर फोर्स उसको भी ऊपर लिखेगा। क्या क्या बोल रहा है? बोल रहे अभी तक कॉल कुछ नहीं अबे सर। म्यूट अरे रख के बात किया कर, और बात किया ही मत कर पहली बात तो। अरे इधर ध्यान दे, सर वो छोटी बहन को बोल रहा था। एक्सेलरेशन इसका ऊपर इसका नीचे। चलो सो टी एम जी 20 kg का पहला फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये क्या जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए। अगर ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो क्या करेंगे? ये mg एक्सेलरेशन से नीचे की सर तरफ जा रहा mg है तो माइनस टी इज ठीक इक्वल है, एम जी बड़ा होगा ऐसा हम लोग टू, अज्यूम यस कर सर सकते हैं। और मैं लिख सकता हूँ एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। एम जी कितना टू होगा, हंड्रेड मास टू कितना है? हंड्रेड 20। न्यूटन 200 माइनस टी इज इक्वल टू 20 ए। तो यहाँ से टी आ जाएगा 200 माइनस 20 ए। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से मेरा टी आ गया। राइट अब दूसरा 10 kg का बना लेते हैं। 10 kg पे ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी। और ये जा रहा है ऊपर की तरफ तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि टी ऊपर होगा, टी मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा टी। सो अब आ जाएगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। टी कितना है पता नहीं, एम जी कितना है? 10 × g 100 और ये 10 है। तो यहाँ से टी कितना आया? 100 + ma। राइट इक्वेशन वन, इक्वेशन टू दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। क्या आएगा? 200 - 20 a इज इक्वल टू 100 + m। m कितना है वहां पे? 10 10 a। 20 a को उस तरफ ले जाओ, 100 को इस तरफ ले आओ, तो 200 - 100 100 बचेगा, 20 और उस तरफ जाके 30 a हो जाएगा। सो a विल बी इज इक्वल्स टू 100/30 व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट? 10/3 m/s². ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आया दोनों पुलिस दोनों ऑब्जेक्ट्स का। जैसे ही एक्सेलरेशन आ गया टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू पुट करने से 200 - 20 × a 20 × 10 200/3 कितना आ जाएगा? ये 400/3 N। क्विड आउट। टेंशन एंड एक्सेलरेशन दोनों आ गया। हाँ ना जल्दी बोलो। यस सर सिंपल, यस सर अब से इतना टाइम नहीं यस लगना चाहिए बेटा जितना पहले में लगा। जल्दी जल्दी लिखो। किसी का नहीं हुआ था क्या ये? वीडियो ऑन रखो भाई। अरे यार वीडियो ऑन रखो। निष्का, अनुराग, कृष्णा, रियेन। अनुराग कौन है, नया बच्चा है क्या? अनुराग तुम पहले भी थे इस क्लास में? अनुराग कहाँ चला गया? चलो बेटा हो रहा है। हो गया सर सबका हो गया? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यस सर हटा दो इसको। चलो पुली वाले कितने क्वेश्चन किए थे हमने इससे पहले? दो सर दो क्वेश्चन ही किए थे। एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था या सारे करवा दिए थे? कुछ नहीं सर, होमवर्क नहीं दिया था। नहीं दिया था। नहीं सर अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऐसा वाला कोई क्वेश्चन किया था? हाँ कर लिया था सर, ये कर लिया था। हाँ सर क्लास में 20 kg करवा था का या घर पे करने को सर, दिया था? ये क्लास में क्लास में ही करवा करवाया दिया था। था। हो गया क्लास में ही सर करवा दिया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर, ये हो गया है तो। चलो ये ब्लॉक है,
यहाँ पे दो ब्लॉक रखे है, ओके ये ब्लॉक लेट्स से 20 kg, ये ब्लॉक 10 kg, स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल भी फ्रिक्शन व्रिक्शन अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, एंगल जो दे रखा है वो 30 degree दे रखा है, ओके फाइंड करना है टेंशन एंड एक्सेलरेशन, जल्दी से करो, फाइंड करना है टेंशन एंड एक्सेलरेशन, जल्दी जल्दी करो सर, वो 90 दो मिनट है तुम्हारे पास सॉल्व करने का। हाँ वो ये वाला 90 degree, हाँ 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 90 degree, अच्छा थोड़ा 90 लग नहीं रहा है क्या, ओके तो ये 90 degree राइट, और ये ब्लॉक 20 kg का, ये वाला 10 kg का, 30 degree इंक्लिनेशन एंगल, टेंशन फाइंड करना है, ये सरफेस स्मूथ है, जी को 10 लेना है, जल्दी से करो दो। यस सर, इसमें ग्रेविटेशन जी को 30 लगेगा सर, गलत गलत हो गया मेरा फिर, मैंने चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पहले 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, लेट से यहाँ पे बना रहा हूँ मैं 20 kg को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 20 kg पे क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स, mg, 20 × g, 200 N डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स T, बताओ ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा, कहीं पे भी जा सकता है वैसे तो, ओके नीचे जाएगा वो मुझे पता है, बट दोनों की तरफ मतलब कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके अगर तुम गलत ले लोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो डायरेक्शन अपोजिट कर लेना, लेट्स से हम लोग इसको नीचे ले रहे हैं तो ये उतने ही एक्सप्रेशन से ऊपर की तरफ जाएगा और ये उतने एक्सप्रेशन से नीचे की तरफ जाएगा, सो इसका एक्सप्रेशन अगर ए है तो इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, 200 − t = ma, 200 − t = ma, मास कितना है, मास है 20, तो 20 आ जाएगा, तो यहाँ से t आ जाएगा 200 − 20 a, कोई डाउट फर्स्ट इक्वेशन में, किसी को कुछ डाउट है, सिंपल एकदम राइट, यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़े दूसरे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, किसका, 10 kg वाले का, सो लेट्स से दिस इज 10 kg ऑब्जेक्ट, टेंशन फोर्स उसको इस तरफ लगेगा, और कौन सा लगेगा, ये कौन सा होगा, mg फोर्स होगा, पहले mg फोर्स डाउनवर्ड तो लगेगा ना बेटा, cos 30 कहां से, वो तो बाद में सोचेंगे, yes, पहले डायग्राम फ्री बॉडी बना रहे हो तो mg इस तरफ लगेगा, और कोई फोर्स लगेगा इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, नो सर, टेंशन जो होगा वो सरफेस से पैरेलल होगा, इंक्लाइन प्लेन से पैरेलल होगा, नॉर्मल जो होगा वो इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, एमजी जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, राइट, सो अगर यहाँ पे ये थीटा क्रिएट कर रहा है, थीटा को 30 बांध लेंगे बाद में, अगर ये थीटा है तो ये 90 − थीटा होगा, और मुझे mg के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, mg के दो कंपोनेंट क्यों बनाया है, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द इंक्लाइन प्लेन है, तो अगर इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक्सेलरेशन है तो उसके हिसाब से हमको बाकी सारे फोर्सेस के कंपोनेंट डिवाइड करने पड़ेंगे, सो अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, mg के दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, ये थीटा तो ये 90 − थीटा और ये वापस थीटा बन जाएगा, अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा mg sin थीटा, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, इतने में जल्दी बोलो, नॉर्मल होगा वो mg cos थीटा की लाइन होगा मतलब, यस हाँ नॉर्मल और mg cos थीटा एक तरफ हो गए, सो मैं लिख सकता हूँ पहला इक्वेशन बन जाएगा नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, यहाँ पे तुमसे नॉर्मल पूछा नहीं था इसलिए ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ अगर फ्रिक्शन हम होता सरफेस में फ्रिक्शन होता तो नॉर्मल की जरूरत पड़ती है, वो बाद में देखेंगे, अभी दूसरा चेक कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, ए एक्सेलरेशन इस तरफ जा रहा है तो टी ज्यादा बड़ा होगा, सो टी माइनस mg sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या एम ए, टी माइनस एम कितना है 10, 100, साइन 30 कितना होगा 1/2, साइन 30 कितना होगा इज इक्वल्स टू 10 है 1/2, अगर 1/2 होगा तो ये हो जाएगा 50, ए की वैल्यू 25/3 m/s, 25/3 देख लेते हैं, इसको इस तरफ भेज दो 10a + 50, ये तुम्हारा टेंशन का दूसरा फार्मूला आ गया, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को,
राइट। सो फर्स्ट है 200 माइनस 20 ए, दूसरा है 10 ए प्लस 50, दोनों को इक्वेट कर ले। 200 माइनस 20 ए इज इक्वल टू 10 ए प्लस 50, राइट। अब क्या करेंगे, ए को उस तरफ ले जाते, 50 को इस तरफ ले आओ तो आएगा 200 माइनस 50 150 इज इक्वल टू 30 ए। ए कितना आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय 30, 15 बाय 3 आया। एक्सेलरेशन कितना आया, 15 बाय 3 विदाउट व्हिच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्शन की वैल्यू मिल गई, टी की वैल्यू पुट कर लेते तो टेंशन मिल जाएगा, 200 माइनस 20 इंटू 5 मतलब कि 100, तो टेंशन कितना आया, 100 न्यूटन। सिंपल, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। यस सर। हाँ या ना? यस। अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो फिर भूल जाओ, आगे कुछ नहीं होने वाला फिजिक्स तुमसे। यस बोलो बेटा। सर इसमें जो हमने mg sin थीटा की वैल्यू ली उसको ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि ma एक्सेलरेशन लगे फिर मास मास हटा दिया, g sin थीटा इक्वल टू एक्सेलरेशन। नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते ना, क्यों, बिकॉज इस पे और भी फोर्सेस लग रहे हैं। इस पे अगर सिर्फ g sin थीटा वाला फोर्स लगता तो मास मास हटा के तुम लिख सकते हो कि g sin थीटा ही तुम्हारा एक्सेलरेशन होता, पर इधर g sin थीटा भी लग रहा है और टेंशन फोर्स भी लग रहा है, तो दो फोर्स लग रहे हैं ना, तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, नहीं कि सिंगल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आ गया समझ में? यस सर। गुड आउट। ओके बड़े आगे हटा दो इसको या लिख रहे हो? लिख लिया। मेरा वीडियो लैग तो नहीं हो रहा बेटा? नो सर। नो सर। नहीं ना? ओके लिख रहे हो, लिख लो जल्दी से। हाँ बोलो सर। जैसे आपने ऐसा कहा था कि ये मतलब 20 केजी का एक्सेलरेशन नीचे लिया, तो सर आपने बोला कि मेरे को तो पता है नीचे जाएगा, सर आपको कैसे मतलब पता है? हाँ। कि नीचे जाएगा मास बेटा, जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे जा सकते हैं ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, यहाँ पे 20 केजी है, यहाँ पे 10 केजी है, 10 केजी पे जो नीचे खींचने वाला फोर्स होगा वो तो mg sin थीटा माइनस t होगा, t माइनस mg sin थीटा। नीचे नीचे की तरफ अगर देखे इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ g sin थीटा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। समझ में? अगर तुम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो इसमें नीचे की तरफ कौन खींच के ले जा रहा है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन ले जा रहा है mg sin थीटा, t जो है उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको नहीं जाने दे रहा है, जबकि यहाँ पे कौन है नीचे जाने वाला, mg नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे मास इसका ज्यादा है, इसका मास कम है, इसका मास भी कम है ऑलरेडी, और उसका साइन एक कंपोनेंट भी आ रहा है, कंपोनेंट हमेशा क्या करता है टोटल वैल्यू को कम कर देता है, तो यहाँ पे कंपोनेंट भी आ रहा है, तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाँ ये 10 kg या 20 kg है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये नीचे ही जाएगा बिकॉज इसका मास ज्यादा है, बट अगर यहाँ पे 10 की जगह पे 100 हो जाता तो कुछ कह नहीं सकते, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ओके तो ऐसे कुछ केसेस है, तो तुम एक्सेलरेशन भले ही इसको इस तरफ ले लो बट फिर फाइनल आंसर में नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो उससे तुम्हारे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, अजम्पशन तुम कुछ भी कर सकते हो, मतलब साइन आ जाएगा उल्टा एक्सेलरेशन का, तो फिर पता लग जाएगा कि उल्टा जा रहा है। हाँ साइन, जैसे अभी एक्सेलरेशन मेरा प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, राइट, ये 5 का मतलब है कि पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आया इसका मतलब मैंने जो अज्यूम किया वो सही अज्यूम किया, कोई गलती नहीं, मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम की वो सही अज्यूम की है। अगर ये प्लस की जगह माइनस आता तो मैं बोलता कि मैंने जो डायरेक्शन अज्यूम की वो गलत की है, ऊपर की तरफ जाएगा और ये नीचे की तरफ जाएगा। ओके ओके सर, तो अजम्पशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन अजम्पशंस कर सकते हो। हटा दो इसको। यस सर। आउट, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के रिलेटेड एक और करके फिर फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। और बेटा एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना, अब पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने का टारगेट रख के स्टार्ट कर देना। ओके ये चैप्टर मोस्टली नेक्स्ट क्लास में इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, एक ब्लॉक है सॉरी, इस ब्लॉक पे ऐसे दो और ब्लॉक हमने रख दिए। ओके ये जो एंगल है वो 53 डिग्री है, ये जो एंगल है 37 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा। ओके कोई डाउट यहां तक? नो सर। चलो मास ले लेते हैं, कितना लेना है बताओ अपने हिसाब से, किसको कितना ले,
लेफ्ट वाले को 20 लेने का मन है. चलो ये 20 के जी, ये 10 के जी. जल्दी से 10 एक्सेलरेशन निकाल लो, 2 मिनट है तुम्हारे पास, फटाफट करो. क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, राइट? एंगल है 53 एंड 37. 53 एंड 37 क्यों दिया, समझ में आ रहा है ना? साइन और कॉस. ओके फिर ठीक है. ओके चलो. सो इस क्वेश्चन के अंदर वापस फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहले 20 केजी का बनाते हैं, मैं इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ. ओके, टेंशन फोर्स इस तरफ लगेगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स जो होगा वो सरफेस से 90 डिग्री पे लगेगा. इतने 3 फोर्स लगने वाले हैं. ओके अब क्या करेंगे, तो मैं काम करता हूँ. हमको ये पता है, हर बार मैं बेटा ये नहीं कर रहा जो मैं आ रहा हूँ तुमको, ये एंगल 53 ये बताया तुमको. तो ये जो कंपोनेंट होगा mg का, ये mg के साथ 53 का एंगल बनाएगा. आ रहा है समझ में? ये भी 53 होगा, बिकॉज ये 53, 90 माइनस 53 और ये 53. 53 है तो ये क्या हो जाएगा, mg cos 53. और mg का ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, mg sin 53. कोई डाउट यहां तक? नो सर. कोई डाउट इसमें? दूसरी चीज बेटा एक्सेलरेशन, चलो कहां पे अज्यूम करना है, 10 kg वाला नीचे जा रहा है, 20 kg वाला ऊपर जा रहा है, कहां पे क्या जाएगा बताओ? और ये 10 kg नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए. कोई डाउट कर सकते हैं? अजम्पशन तो कर सकते हैं. यस सर, फिर साइन, राइट? सो ये 20 kg की फ्री बॉडी डायग्राम है, साइन उल्टी आनी चाहिए, मतलब हमें पता है एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए, तब सही हो जाएगा. चलो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, mg sin 53 और t इस तरफ, तो इसमें क्या आएगा? अच्छा, नॉर्मल और mg cos 53 तो इक्वल होगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं हमें अभी, बिकॉज हम सिर्फ इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल मोशन देख रहे हैं. सो t माइनस mg sin कितना, 53 इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन. चलो टी माइनस ये क्या हो जाएगा, 5 से कट करोगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 160. T minus 160 is equals to 20 A. So, यहां से T आ जाएगा 160 plus 20 A. This is our first equation. Okay. दूसरे के लिए मतलब कि 10 kg के लिए free body बनाते हैं. So, let's say ये 10 kg है. ये जाएगा, acceleration इस तरफ जा रहा है. mg नीचे की तरफ 10 का. उसके दो component मैंने बना लिए mg के. Okay. अगर ये वाला angle 37 degree है, आगे देखोगे तो ये 37 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे भी 37 होगा. yes, sir. और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 37. बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो पूछते रहो, वरना बहुत दिक्कत आएगी आगे जाके. रोटेशन के टाइम तो ऐसा लगेगा कि सर मैंने क्यों ही साइंस ले लिया, इससे अच्छा आर्ट्स में बैठ के पेंटिंग बना रहा होता भी. चलो t और mg sin 37 इस तरफ आएगा और इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है. कोई डाउट आ रहा है समझ में? राइट, नॉर्मल फोर्स भी बनाना है तो हम बना सकते हैं, पर उसका अभी कुछ यूज नहीं होने वाला. mg sin 37 की तरफ नीचे जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं mg sin 37 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. कोई डाउट इक्वेशन में? इक्वेशन में कोई डाउट? नो. चलो mg sin 37 क्या करेंगे, mg कितना है, मास है, 10 इनटू g करेंगे 100. sin 37 कितना होता है? माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 10 ए. सो यहाँ से 5 से कट करोगे कितना आएगा, 60. माइनस टी को उस तरफ ले आओ, 10 ए को इस तरफ ले आओ. सही है?
ये आ गया 60 माइनस 10 है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, TT 160 प्लस 20A इज इक्वल्स टू 60 माइनस 10 है, माइनस 10 को उस तरफ ले जाओ 30A इज इक्वल्स टू 160 इस तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो आएगा 30A इज इक्वल्स टू माइनस 100। ओके, सो A विल बी माइनस 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया नेगेटिव, विच मींस कि हमने जो अजम्पशन किया वो गलत है। Yes, sir. ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, विच मींस ये जाएगा नीचे की तरफ और ये जाएगा ऊपर की तरफ। समझ में आ गया, अजम्पशन गलत करने पे भी आंसर सही आ जाएगा, नो इश्यू। टेंशन निकालना बाकी है, टी निकाल लेते हैं, 160 प्लस 20 इंटू ए, ए है माइनस 10/3 राइट, ऐसा मत लिखना कि प्लस, माइनस 10/3 आ रहा है इक्वेशन में, सो माइनस 10/3 लिखेंगे। 200/3 कितना आएगा ये? 280/3 न्यूटन इज इक्वल टू 1 माइनस 200/3, 3 को उस तरफ ले जाओ, 320 माइनस 200 कितना आएगा, सॉरी 16 3 से करना है 4, कितना आएगा ये? 280/3 न्यूटन, दिस इज द टेंशन। आ रहा है समझ में? यस सर। इसका मतलब मैंने अजम्पशन गलत लिया। ओके, बाकी आंसर सही है, हटा दो इसको। यस सर। क्या लिख रहे हो सर? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ बोलो बेटा। जब हम अजम्पशन गलत लेंगे तो वहां पे लिखना पड़ेगा अगर अज्यूमिंग 10 केजी वाला नीचे जा रहा है ऐसा कुछ। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे ऐसा लिख लेने का कि जो हमारा आंसर आ रहा है, सो व्हिच मींस द 10 केजी ब्लॉक इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन टू द इंक्लाइन प्लेन, ऐसा लिख लेंगे। ओके, हटा दो। Any doubts? किसी को कोई डाउट बेटा यहाँ तक? सर ये एंगल, सर एंगल 53 कैसे लिया सर, ये समझ में नहीं आया मेरे को। 53 तो है, कौन सा एंगल कहाँ पे लिया 53 वो बताओ ये। हाँ सर ये कैसे हुआ? अरे बेटा ये 53 है। यस सर। इस तो इससे पहले के समझ में आ गए थे तेरे को? ऐसे तो हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए अभी तक। हाँ सर वो या वो भी समझ नहीं आ रहा था, वो थोड़ा बहुत आ गया था। ये 53 है, यहाँ पे मैं ऐसा ट्रायंगल बना दूँ, ये 90 होगा। अगर ये 90 है 53 तो ये 90 माइनस 53। हाँ सर। फिर ये जो mg cos theta वाली लाइन है वो इससे 90 डिग्री पे है। हाँ सर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस है वो, तो ये टोटल 90 होगा, इसमें से इतना 90 माइनस 53 है तो ये 53 नहीं होगा। आ गया समझ में? सिमिलरली 37 वाला भी वैसा ही लिया है। ओके चलो हटा दो इसको बेटा। ऐसे जो भी डाउट्स है छोटे छोटे पूछ लेना वरना बहुत मुश्किल होगी आगे। सर एक डाउट था, जो हम t माइनस mg sin थीटा लिखकर mg माइनस mg sin थीटा माइनस t लिखते हैं, उसमें मतलब एक में t बड़ा होता है इसके लिए हम t को आगे लगते हैं कि छोटा होता है? नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो कि डायरेक्शन को पहले से ही अज्यूम कर लो। लेट्स से ये एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ है, तुम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दो, इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोल दो। ऐसा बोलेंगे तो क्या करेंगे, टी पॉजिटिव होगा, एम जी कॉस थीटा नेगेटिव होगा, सॉरी एम जी साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, पर इज इक्वल्स टू माइनस एम ए लिखेंगे, प्लस एम ए नहीं लिखेंगे। जैसे ये है तो टी ऊपर की तरफ माइनस एम जी साइन 53 इज इक्वल टू माइनस एम ए लिखेंगे। आया समझ में? ओके, तो तुम डायरेक्शन को पहले से अज्यूम कर सकते हो कि भाई मैं इसको पॉजिटिव लेने वाला हूं, इसको नेगेटिव लेना, ये पहला तरीका। या फिर दूसरा तरीका कि जब तुमने एक्सेलरेशन को अज्यूम किया हुआ है तो अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा तभी तो एक्सेलरेशन उस तरफ हो सकता है। बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जो नेट फोर्स होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लगने वाला है। यस सर। ओके, तो अगर एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है इसका मतलब इस तरफ लगने वाला फोर्स इस तरफ लगने वाले फोर्स से बड़ा ही होगा। सो मैं लिख सकता हूँ टी
माइनस एम जी कॉस एम जी साइन 37 इज इक्वल टू एम ए. सिमिलरली इधर भी वही चीज. ओके यस सर. चलो और क्वेश्चंस करने हैं या आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं. अरे लिखो चलो आगे. फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन किया था नहीं किया था हमने? नो सर, अपने बता टेंशन की बात करवाएंगे. ओके चलो लिखो फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगता है वो सब बताने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है? लिख लेते हैं चलो. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? The force which is acting opposite to the direction of motion when two objects are in contact. Okay, so likho when two objects comes in contact with each other. दो मिनट रुक जाओ, हो जाएगा. ओके पहली बार आया क्या ये प्रॉब्लम? पहली बार आया इस लेक्चर में? यस सर, ठीक हो गया. ओके ओके ओके. When two objects comes in contact with each other, the irregularity of the surface, irregularity of their surface gets interlocked. Thus, when one object moves or tends to move relative to other, an opposite force acts on the objects which resist relative motion. This force is friction, is called friction. ओके जल्दी से लिखो. लिख रहे हो सब लोग? When two objects comes in contact with each other, the irregularities of the surface gets interlocked, and thus when one object move or tends to move relative to other, an opposite force acts in the object which resists the relative motion between the objects is known as friction force. Okay, ये पूरा friction force की basic definition हुई. समझ में आ रही है सबको? Any doubts? किसी को कोई doubt यहाँ तक? सर irregularities of the surface means वही ना, जो surface किसी की भी एकदम proper flat या proper shape में नहीं होती. प्रॉपर शेप नहीं, शेप उसका प्रॉपर हो सकता है, बट इसकी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो बहुत सारी इररेगुलरिटीज होगी. ओके उसमें बहुत सारी हिल्स एंड वैलीज होगी, रफनेस होगी. बिकॉज ऑफ दिस रफनेस, दो सरफेस की रफनेस एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाएगी, और जब ये आगे जाना चाहेगा तो नीचे वाला उसको रोकेगा. ओके तो ये जो हो रहा है उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते थे. लिख लिया पहले ये, जल्दी बताओ. टू मिनट सर. हाँ कोई डाउट सर? बोलो. सर अगर फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन करने को आया तो सर अगर ऐसा बोल दे कि कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट तो चल जाएगा उसमें? डेफिनेशन में वो नहीं चलेगा, ये पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. ओके बट कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल हम लोग आगे लिखने वाले हैं. यहाँ तक लिख लिया, हटा दो इसको. ये लिख लिया, चलो आगे लिखो. Friction force is a component of a friction force
फ्रिक्शन फोर्स इज कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट जो है उसको ही फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। लिख लिया, पर इसका लगने का मेन रीजन ये है, रफनेस ऑफ द सरफेस, ये है उनका मेन फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करने का रीजन। चलो कोई डाउट यहां तक लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, किस पर डिपेंड करेगा बेटा फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड कर सकता है? सरफेस पे। फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करेगा, जल्दी बोलो। सरफेस पे सर, मास और कुछ नहीं, गलत बात। स्मूथनेस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब सरफेस ही हो गया, नेचर ऑफ सरफेस बोल सकता हूँ, नेचर ऑफ बोथ सरफेस नॉट सिंगल, नेचर ऑफ बोथ सरफेस, ये पहली। दूसरी किस पर डिपेंड करेगा सर? स्पीड, नेचर ऑफ बोथ सरफेस, कितने स्पीड ना, स्पीड पे कोई डिपेंड नहीं। इनर्शिया? नहीं 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 नहीं, नॉट इनर्शिया। फ्रिक्शन फोर्स लग क्यों रहा है वो सोचो, अगर वो सोचो कि क्यों लग रहा है तो समझ में आ जाएगा कि इस पर डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट नहीं करती, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ बे? मतलब सर ज्यादा इरेगुलर है तो ज्यादा फोर्स, वो तो लिख लिया ना, पहली चीज लिख ली, वो चीज मैंने पहले ही लिख लिया ना, नेचर ऑफ बोथ सरफेस मतलब उसकी इरेगुलरिटीज के बारे में पहले ही डिस्कस हो गया, उस पर तो डिपेंड करता ही करता है, और किस पे करेगा सर? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट? नहीं, उस पे भी करेगा बट उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे जो आगे पढ़ते हैं। उसके अलावा मेन जो है दो चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बोथ सरफेस एंड सेकंड, थोड़ा सा फ्रिक्शन की डेफिनेशन एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाना चाहिए, अगर किसी के पास दिमाग है तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा, थोड़ा सा और दिमाग लगा के। क्यों लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स वो सोचो, लग क्यों है उससे मोशन को रेसिस्ट करने के लिए? नहीं, क्यों लग रहा है मतलब मोशन को रेजिस्ट कर रहा है, लग क्यों रहा है सर? जो फ्रिक्शन लग रहा है सरफेस के इरेगुलरिटी में इंटरलॉकिंग हो रहा है, ये होता है सर, एक सरफेस रफ है दूसरी सरफेस रफ है दोनों इंटरलॉक हो गई तो फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो सकता है। तो सबसे पहला इंटरलॉकिंग इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ इंटरलॉकिंग, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग ऐसा कह सकते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरलॉकिंग किस पे डिपेंड करेगी, तो सबसे पहले डिपेंड करेगी नेचर ऑफ सरफेस पे, कि भाई इंटरलॉकिंग कैसी है, सरफेस पे ज्यादा इंटरलॉकिंग हो सकती है मतलब कि रफ सरफेस ज्यादा है या स्मूथ सरफेस ज्यादा है, अगर स्मूथ सरफेस ज्यादा है तो इसका मतलब इंटरलॉकिंग कम होगी, रफ सरफेस है मतलब इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी। तो ये जो पहली चीज लिखी नेचर ऑफ बोथ सरफेस, एक तरह से वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग, ज्यादा इंटरलॉकिंग होने वाली है या कम इंटरलॉकिंग होने वाली है। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा ये बताओ सर? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? नहीं, और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हिंट दे रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से दो। मान लो एक सरफेस है, ये 10 केजी का ब्लॉक है, इस पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है, ओके? अगर मान लो मैंने एक और ब्लॉक रख दिया 5 केजी का, तो फ्रिक्शन फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? मैं बता देता हूं, चलो छोड़ो। देखो बेटा, दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आ रही है, मान लो इनका इंटरलॉकिंग ऐसा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तुम्हें? इतना इंटरलॉकिंग हो रहा है, मैंने ऊपर से और थोड़ा धक्का दिया, दोनों को एक दूसरे को और प्रेस किया, तो इंटरलॉकिंग ऐसा होगा, आ रहा है समझ में? और मैंने थोड़ा धक्का दिया, इंटरलॉकिंग ऐसा होगा, और धक्का दिया, इंटरलॉकिंग ऐसी हो गई, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? हाँ सर, जब हल्के थे दोनों ऑब्जेक्ट, बहुत हल्के थे तो ऐसा इंटरलॉकिंग हो रहा था, अगर ऐसा इंटरलॉकिंग हो तो मैं बोल सकता हूँ बहुत लूज इंटरलॉकिंग है, इजीली ये निकल सकता है इंटरलॉक, राइट? इंटरलॉकिंग ऐसी कर दू तो थोड़ी टाइट हुई, ऐसी कर दू और टाइट हुई, ऐसी कर दू बहुत ही टाइट हो गई इंटरलॉकिंग,
तो ये जो इंटरलॉकिंग की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पे करेगी, वो एक दूसरे पे कितने जोर से प्रेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगी, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? दोनों सर्फेसिस एक दूसरे को कितना जोर से प्रेस कर रहे हैं, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है दो कॉन्टेक्ट सर्फेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग हो रही है, ये इंटरलॉकिंग की स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करेगी कि ये 10 kg वाला नीचे कितना फोर्स लगा रहा है, ओके? और ये जो सरफेस है वो 10 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये जो सरफेस से परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं उसको नॉर्मल फोर्स कहते थे, हाँ या ना? 10 kg वाला नीचे की तरफ फोर्स जो लगेगा, 10 kg पे वाला नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा इस सरफेस पे, विच इज नोन एज नॉर्मल फोर्स, और ये नॉर्मल नीचे वाली सरफेस है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स। अगर ये नॉर्मल फोर्स ज्यादा हुआ इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे पे ज्यादा जोर से प्रेस कर रहे हैं वो लोग, नॉर्मल फोर्स कम हुआ इसका मतलब एक दूसरे से कम फोर्स पे प्रेस कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड चीज किस पे डिपेंड करेगी, फ्रिक्शन फोर्स, मास या वेट पे नहीं करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, नॉर्मल फोर्स पे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है, लिख लो ये, एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है उस पर डिपेंडेंसी होगी। सो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बोथ सरफेस एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, लिख लिया। लिख लिया यहां तक, दोनों लाइन लिख ली, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके? उसकी हर एक सरफेस सेम है, मतलब इंटर इरेगुलरिटीज हर जगह पे इक्वल है, ऐसा नहीं समझना कि एक साइड ज्यादा एक साइड कम है, हर जगह पे इंटरलॉकिंग सेम ही है। उस ऑब्जेक्ट को पहले मैंने ऐसा रखा और देखा कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को मैंने लेटा दिया और देखा फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, तो दोनों में फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा या ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम या सेम? एक में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम है, एक में एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ज्यादा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम लगेगा? सेकंड वाले में ज्यादा, सेकंड वाले में ज्यादा लगेगा सर, सेकंड वाले में उसमें इक्वल होगा, इक्वल होगा। देखो बेटा, सेकंड वाले या फर्स्ट वाले दोनों केसेस में ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इक्वल होगा, जितना फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा उतना फ्रिक्शन इधर लगेगा। नहीं, पॉइंट ऑफ द कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लिख लो पहले, फ्रिक्शन फोर्स डजंट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे एरिया कम है वहां पे एरिया ज्यादा है, पर फ्रिक्शन फोर्स उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके लिए, ये भी लिख लो, ये सिर्फ स्पेसिफिकली किसके लिए होगा, फॉर हार्ड एंड ड्राई सरफेस, फॉर हार्ड एंड ड्राई सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सरफेस या तो सॉफ्ट होगी या तो वेट होगी, तब क्या होगा, सॉफ्ट और वेट सरफेस के लिए एरिया पर डिपेंड करता है, ओके? बट हार्ड एंड ड्राई सरफेस के लिए एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। लिख लिया यहां तक? लिख लिया? यस सर। क्यों नहीं करता, कोई बता सकता है, एरिया पर डिपेंड क्यों नहीं कर रहा है, एरिया पे क्यों डिपेंडेंट नहीं है? यहाँ पे तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कम हो रही है, नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कम होगी बिकॉज एरिया कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा लगना चाहिए, यहाँ पे कम लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन हर जगह पे सेम है। क्या रीजन है इसके पीछे सर? नॉर्मल फोर्स या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ बेटा कि जब ये यहाँ पे रहेगा ऐसा रहेगा, तो अगर मैं पर यूनिट देख लूं कि भाई इतने एरिया में जितनी भी इंटरलॉकिंग हो रही होगी उसका प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा, एरिया कम है फोर्स उतना ही लग रहा है, प्रेशर ज्यादा होने वाला है। सो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग भले ही कम है बट इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आ रहा है समझ में?
यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग भले ही ज्यादा है बट इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वह क्या होगी, कम हो जाएगी। कोई डाउट? सो एक जगह पे ज्यादा इंटरलॉकिंग हो रही है पर स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरी जगह पे कम इंटरलॉक है पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, सो बिकॉज ऑफ विच क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट पर डिपेंडेंसी नहीं आएगी। समझ में आ गया किसी को कोई डाउट यहां तक? शुड वी मूव अहेड? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट लिखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, उसमें सबसे पहले लिख लो स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, पहला पॉइंट स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा। सर जो पहला वाला अभी आपने एग्जांपल बताया उसमें एक में स्ट्रेंथ थी और एक में स्ट्रेंथ कम थी सर, बट एक में इंटरलॉकिंग ज्यादा थी इसकी वजह से फ्रिक्शन निकल हो जा रहा था। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना कि एक जगह पे इंटरलॉकिंग ज्यादा है बट उसकी स्ट्रेंथ कम है, ओके दूसरी जगह पे इंटरलॉकिंग कम है पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, ओके सर बेसिकली। हाँ चलो बढ़ते आगे। हाँ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, पहला फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई बता सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो। यस, द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज, व्हेन इट टेंड्स टू मूव, tends to move relative to other surface. Okay, जब object rest पे है तो friction लगता है क्या? क्या कोई object rest पे है तो friction लगता है या नहीं लगता? ये object ऐसा है इस surface पे आराम से बैठा हुआ है, इस condition में अभी friction लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? पहली बात नहीं लग रहा होगा। फ्रिक्शन लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। पक्का नहीं लग रहा होगा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन कहां से आया? अच्छा क्या अभी इंटरलॉकिंग हो रही होगी? इंटरलॉकिंग हो रही है। हां सर इंटरलॉकिंग तो हो रही होगी। यस इंटरलॉकिंग हो रही है। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। फ्रिक्शन फोर्स आया समझ में? जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वो बात गलत है, ओके बट ये बात सही है कि अभी रेस्ट पे है अभी फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, ओके फ्रिक्शन कब लगना स्टार्ट होगा? जब ये मूव करने का ट्राई करेगा, मूव नहीं हो रहा है जस्ट वो ट्राई कर रहा है मूव करने का, समझ में आ रहा है? ये मूव नहीं करना रहा है, ये क्या करने वाला है? ट्राई करेगा तब फ्रिक्शन लगेगा। कोई डाउट? जैसे एग्जाम्पल देता हूं, एक बात बताओ यहाँ पे अच्छी तरह से इंटरलॉकिंग हो चुकी होगी, हाँ या ना? अच्छी तरह से इंटरलॉकिंग हो चुकी होगी, हाँ yes. ना जल्दी बोलो। इंटरलॉकिंग तो हो गई है, जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा इंटरलॉकिंग पक्का है। अब एक बात बताओ, इसको मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस इंटरलॉकिंग को क्या होना पड़ेगा? ब्रेक होना पड़ेगा तभी तो मूव हो सकता है, हाँ या ना? अरे यार जल्दी बोलो, हाँ yes, ना वीडियो ऑन सबका। ये जो इंटरलॉकिंग हो चुकी है अगर इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करेगा तभी तो मूव हो सकता है, वरना तो यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। अगर ये ऐसा पकड़ के रखा है मैंने, इसको आगे जाने का मौका कब मिलेगा? जब ये इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी। इंटरलॉकिंग ब्रेक नहीं होगी तब तक आगे मूव नहीं कर सकता। समझ में आ गया? कोई डाउट? तो ये जो इंटरलॉकिंग हो चुकी है उसको ब्रेक करने के लिए कुछ मिनिमम फोर्स तो चाहिए होगा, तभी तो टूट सकती है इंटरलॉकिंग। तो मान लो मिनिमम फोर्स चाहिए होता है लेट्स से 30 न्यूटन इस पर्टिकुलर कंडीशन में। हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि इस पे 30 न्यूटन फोर्स लगेगा तब क्या होगा? इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी। समझ में आ गया? समझ में आया? इससे yes. पहले क्या हो रहा होगा? मान लो मैंने 30 न्यूटन फोर्स नहीं लगाया, मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, अब क्या होगा? हिलने का ट्राई कर रहा होगा। हिलने का ट्राई तो कर रहा है बिकॉज मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, पर हिलेगा या नहीं हिलेगा? नहीं होगा या नहीं होगा? मूव नहीं होगा। मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। जीरो मूव नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन जीरो। जब ये एक्सेलरेशन जीरो होगा तो टोटल फोर्स कितना लगना चाहिए इस पे?
टोटल फोर्स कितना लगना चाहिए? जीरो ही लगना चाहिए ना, बिकॉज एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो ही होना चाहिए। यस सर। अभी नेट फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन आगे की तरफ, तो क्या होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 न्यूटन पीछे की तरफ। समझ में आया, 5 न्यूटन पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, तो ये वही का वही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मान लो मैंने फोर्स जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो बढ़ा के कर दिया 10 न्यूटन, क्या ये आगे जाएगा? नहीं जाएगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 लगेगा। 10 लगेगा। कितना लगेगा? 10 लगेगा। तो अब क्या होगा, अब फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? 10। समझ में आ रहा है? हाँ सर। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ के हो गया 10। ओके, मैं कर देता हूँ इसको 15। अब क्या होगा? 15 लगेगा, फ्रिक्शन भी हो जाएगा 15। आ गया समझ में इतना? तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपनी वैल्यूज को क्या कर सकता है? इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, चेंज कर सकता है, राइट? इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैंने लगाया 20 न्यूटन फोर्स, क्या होगा? 20 लगेगा, कितना हो जाएगा? 20 लगेगा। मैंने लगाया 25 न्यूटन, ये भी कितना हो जाएगा? 25। आ गया समझ में? मैक्सिमम 30 न्यूटन नहीं लगा सकता ना? हाँ, मैक्सिमम 30 लगा सकता है। ओके, अगर 30 लगा दूं मैं तो इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाएगी और ये मूव होने लगेगा, तब क्या होगा? तब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो देखते थोड़ी देर में। पहले ये समझ में आ गया 25 पे 25? हाँ सर। यस सर। चलो अब एक ट्रिकी क्वेश्चन ध्यान से बताओ, ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो और ये जो लग रहा है वो, क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पैर है? सेम बॉडी पे लग रहा है। और दूसरी चीज, ये जो 25 न्यूटन हम लगा रहे हैं ब्लॉक पे, उसका रिएक्शन हम पे लगेगा ब्लॉक की वजह से, तो इसका रिएक्शन फोर्स ये नहीं होगा, कुछ और होगा जो हम पे लगेगा, जो ये लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा। इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा? ये जो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है 25 न्यूटन पीछे की तरफ, इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा, किस पे लगेगा? ब्लॉक पे होगा। ब्लॉक पे तो 25 लग रहा है ना, अगर थोड़ा सा मैं ब्लॉक को ऊपर उठा के देखूं तो ब्लॉक पे तो 25 लग रहा है, ब्लॉक पे जो 25 लग रहा है उसी को तो फ्रिक्शन फोर्स बोला, तो इसका रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? सरफेस पे। सरफेस पे लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन, आगे की डायरेक्शन। अपोजिट मतलब आगे की हो गई। आ रहा है समझ में? यस। बिकॉज ये दोनों कांटेक्ट में है, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस और ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स 25 पीछे की तरफ लग रहा है, वो लग रहा है सरफेस की वजह से ऑब्जेक्ट पे, उसका रिएक्शन फोर्स सरफेस पे लगेगा ऑब्जेक्ट की वजह से लगेगा, जो कि अपोजिट और सेम होगा। कोई डाउट? तो ऐसा मत समझना जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वही रिएक्शन आ रहा है, नहीं, एक्शन रिएक्शन नहीं है ये दोनों। आ गया समझ में? यस सर। कोई डाउट? चलो, मैंने मान लो यहाँ पे लगा दिया 30, अब क्या होगा, ये भी कितना लगेगा? 30। अभी भी क्या है, वो मैक्सिमम वैल्यू है 30। अब क्या होगी, इंटरलॉकिंग ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, जैसे ही 30 न्यूटन फोर्स लगा इंटरलॉकिंग ब्रेक होनी स्टार्ट होगी। कोई डाउट यहां तक? आ रहा है समझ में? चलो, सो इंटरलॉकिंग ब्रेक हो गई, ये समझ में आ गया। तो इसका एक छोटा सा ग्राफ बना लेते, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ओके, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अप्लाइड फोर्स। क्या ले रहा हूं मैं? अप्लाइड फोर्स मतलब मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ वो। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ? फ्रिक्शन फोर्स। क्या ले लिया? फ्रिक्शन फोर्स, जो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला है वो। कोई डाउट?
बेटा टाइम हो जाए तो बोल देना, मेरे को पता नहीं है टाइम का, अभी है ना टाइम सर? 20 मिनट है ना अभी। वेरी गुड, चलो। सो फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच का ग्राफ बनाता हूँ। मैंने बताओ अप्लाइड फोर्स 5 लगाया था, फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5 लगेगा सर, 5 लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जब अप्लाइड फोर्स कुछ भी नहीं लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगा था? कुछ भी नहीं लग रहा था सर। तो मैं बोल रहा हूँ पहला पॉइंट तो ये आएगा जीरो, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ। जैसे जैसे अप्लाइड बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी उतने ही अमाउंट में बढ़ता रहेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कितना एंगल बनाएगी यहाँ से? 45। यस सर, एक्सिस और वाई एक्सिस से 45 एंगल बनाएगी, बिकॉज जितना अप्लाइड है उतना ही फ्रिक्शन है। ये कब तक जाएगा? कब तक चलेगा? 30 न्यूटन तक। मैंने अप्लाइड फोर्स मान लो लगा दिया 35 न्यूटन, या फिर 31 भी लगाया होता तो भी अब ये मूव करना चालू कर देता और फ्रिक्शन फोर्स 30 ही लग पाता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन फोर्स की, जहां पे ये जो इंटरलॉकिंग है वो फर्स्ट टाइम ब्रेक होना स्टार्ट होगा। आ रहा है समझ में? एक मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की, जहां पे ये इंटरलॉकिंग ब्रेक होना स्टार्ट होता है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है ना? एक और बार, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है बेटा? एक मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने 30 न्यूटन लिया था इस केस में, कि जब मैंने 30 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट पे, सॉरी वापस बना लेते हैं, जब हमने 30 न्यूटन फोर्स लगाया तब क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट था, सरफेस थी, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने 30 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 30 न्यूटन लग रहा है। इससे जस्ट थोड़ा सा भी ज्यादा लगा दूंगा, 31 लगा दिया या 30.1 लगा दिया, तो भी फ्रिक्शन फोर्स अब ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, बिकॉज अब इंटरलॉकिंग ब्रेक होना चालू हो जाएगी। आ रहा है समझ में? तो ये जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है ये। आ रहा है समझ में? इस फ्रिक्शन फोर्स का नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। तो लिख लो ये, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction, the maximum value of static friction is called, या फिर is known as limiting friction, the maximum value of static friction is known as limiting friction, okay? और ये maximum value की formula होती है, F max बोल देते हैं इसको, X max की value होती है mu times n। क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू की फॉर्मूला? म्यू टाइम्स एन, एन मतलब नॉर्मल फोर्स, म्यू क्या है? तो म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन इररेगुलरिटी ऑफ बोथ सरफेस, irregularity of both surface। लिख लो जल्दी से, mu is coefficient of friction which depends on irregularities of both surfaces। लिख लिया? एक मिनट। ओके सर, तो यानी कि जो हमने 31 न्यूटन का फोर्स लगाया उस पे हमको 30 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा। हाँ, फ्रिक्शन 30 का ही लगेगा। अगर हम 40 न्यूटन का लगाएंगे तो भी 30 का ही लगेगा? तो भी 30 का लगेगा, तो भी 30 का लगेगा। 50 का लगाओगे तो भी 30 का लगेगा, 100 का लगाओगे तो भी 30, 1000 का लगाओगे तो भी 30 का ही लगेगा। तो एक मैक्सिमम वैल्यू है। हाँ बोलो। हाँ अभी पढ़ेंगे, 30 से थोड़ा कम लगेगा ऐसा पढ़ेंगे, रुक जा। नहीं नहीं, हाँ तो सर मतलब ये ग्राफ में कांस्टेंट हो जाएगी ना? अभी अभी खत्म नहीं किया ना। अभी देखो, अभी ये ग्राफ मत बना लेना, पर अगर थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगा के अभी 30 के लिए बात करें, 30 की वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी? एक्चुअल में वो 30 तो मैंने जस्ट एक केस में लिया था, उसकी मैक्सिमम वैल्यू का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू एन है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जो मैक्सिमम लग रहा है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? म्यू एन। समझ में आ रहा है? गुड आउट। कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लेना, ओके, जिसको हम म्यू एस भी बोलते हैं। चलो वो बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन इररेगुलरिटी ऑफ द सरफेस। यहां तक समझ में आ गया सबको? हाँ या ना?
गुड आउट. ये ग्राफ म्यू इनटू एन तक जाए वो समझ में आ गया, राइट? आगे बढ़े. अब एक बात बताओ, इससे ज्यादा मैं कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ा दूं, फ्रिक्शन फोर्स 30 रह रहा था, मतलब ग्राफ अब कैसा आएगा? ऐसा आएगा. आ रहा है समझ में? गुड आउट. अभी ड्रॉ मत करना ग्राफ, पर ये समझ में आ गया कि ऐसा ग्राफ आएगा. हाँ ना, जल्दी बोलो. Yes, ये भी लिख लिया. क्या समझ में नहीं आया? कि ग्राफ स्ट्रेट क्यों जाएगा? मतलब बेटा मैं लगाऊंगा तो भी तुम्हारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू इनटू एन जितना ही रहेगा, 30 रहने वाला है. तो कुछ भी लगा दो तुम अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू एन जितनी आ रही है. ओके सर, कोई डाउट यहां तक? लिख लिया इतना? ग्राफ मत बनाना, बाकी सब लिख लो. लिख लिया? पूरा ही नहीं बनाए कि अप्लाइड फोर्स तक बना? ग्राफ पूरा ही, पूरा ही. यहां तक बनाना है तो बना दो, अप्लाइड फोर्स का यहां तक बनाना है तो बना लो, उसके बाद वाला जो कांस्टेंट वाला है वो अभी मत बनाओ. यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर. हटा दू? चलो. अब बेटा ये हम लोगों ने एक थियोरेटिकली देखा कि भाई 30 न्यूटन फोर्स लग रहा है, राइट? उसके एक्चुअल वैल्यू कितनी है? म्यू इंटू एन. हर एक फ्रिक्शन, हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है म्यू इंटू एन, केसेस टू केसेस डिपेंड करेगा. म्यू क्या है? म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है. ओके, जो डिपेंड किस पे करेगा? रफनेस पे. कितनी रफनेस है उस पर डिपेंड करेगा. आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. म्यू की जो वैल्यू है, म्यू की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन वन होगी और ग्रेटर देन जीरो होगी. प्रैक्टिकली देखा जाए तो म्यू की वैल्यू लेस देन वन, ग्रेटर देन जीरो. अगर म्यू जीरो है इसका मतलब क्या हुआ? नो फ्रिक्शन. आ रहा है समझ में? नहीं आया सर वो पहला. तो फ्रिक्शन नहीं आया ये वाला. हाँ सर. म्यू की वैल्यू मैंने बोला जीरो से वन के बीच में लाई करेगी. ओके, इतना समझ में आया? यस सर. अब मैं बोल रहा हूँ म्यू अगर जीरो होता, म्यू जीरो तो क्या हो गया? फ्रिक्शन ही जीरो हो गया. फ्रिक्शन फोर्स लग ही नहीं रहा है. तो जब हम बोलते हैं ना कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं लेना है, तब म्यू की वैल्यू जीरो होती है उसके लिए. आया समझ में? गुड आउट. नहीं सर. आया समझ में? दूसरी चीज, म्यू की वैल्यू इतने के बीच में ही क्यों होती है, उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन देखो, म्यू जो है फॉर्मूला के हिसाब से देखोगे तो म्यू हो जाएगा एफ मैक्स डिवाइडेड बाई नॉर्मल फोर्स. आया ना? ये म्यू का फॉर्मूला बन जाएगा. म्यू का कोई यूनिट होगा क्या? म्यू का कोई यूनिट होगा? नो सर. नहीं होगा, राइट? फोर्स का रेशियो ले लिया तो म्यू का कोई यूनिट नहीं होने वाला. इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. चलो अगर इस फॉर्मूला का देखो, एफ मैक्स डिवाइडेड बाय एन, तो ध्यान से देखो, एफ मैक्स क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स. मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको मूव करने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, इसको मूव करने के लिए मुझे जो मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे जो फोर्स लगाना पड़ा वो तो मिनिमम होगा. जो मिनिमम फोर्स विच कैन मूव द ऑब्जेक्ट, वही तुम्हारा फ्रिक्शन मैक्स होगा. अरे यार, नहीं आ रहा समझ में? पहले जो मिनिमम फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए, वही मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा. कोई डाउट? नो सर. चलो अब दूसरी चीज, नॉर्मल को थोड़ा सा एनालाइज करो. मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नॉर्मल इज द फोर्स, अगर मैं उतना ही फोर्स, नॉर्मल के जितना फोर्स मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया तो वो ऑब्जेक्ट उठ जाएगा. आ रहा है समझ में? कोई ऑब्जेक्ट को मुझे ऐसा उठाना है तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूँ, उसका नॉर्मल फोर्स जीरो कर रहा हूँ. उठा रहा हूं मतलब कॉन्टेक्ट लूज करवा रहा हूं. आया समझ में इतना? जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा रहा हूं तो नॉर्मल जीरो लगेगा. ओके, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए? तो मैं बोल सकता हूँ कि उसके वेट जितना फोर्स लगाना पड़ेगा. और उसी टाइम पे जब ये सरफेस पे था तो वेट ही नॉर्मल के इक्वल था. जनरल केस में नॉर्मल किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा. यस सर. और मैंने उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा दिया तो ये उठ जाएगा. आ रहा है समझ में? तो ऐसा बोल सकता हूँ कि जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूं, ग्राउंड से उठा रहा हूं, तो एक्चुअल में नॉर्मल फोर्स को ओवरकम कर रहा हूं. आया समझ में? और जब मैं ये ऑब्जेक्ट को हिला रहा हूं, आगे की तरफ पुश कर रहा हूं, तब मैं क्या कर रहा हूं?
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में इतना? सर तो यानी कि हम अगर ऑब्जेक्ट तो उठा रहे हैं तब तो फिर एक पॉइंट के बाद वो कॉन्टेक्टलेस हो जाएगी। हाँ तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा। वो बात वही मैं बोलना चाहता हूँ कि जब मैं उठा रहा हूँ तो मैं नॉर्मल को जीरो कर रहा हूँ, मतलब मुझे कितना उठाना पड़ेगा नॉर्मल फोर्स, जितना फोर्स मुझे ऊपर लगाना पड़ेगा तभी तो उठेगा ये, वरना नहीं उठेगा। उठा लेंगे तो कॉन्टेक्ट फोर्स सरफेस के साथ तो जीरो हो जाएगी, फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि जब उठाना है मुझे तो मुझे अपर डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन, लेट्स से ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसको उठा लो, उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? चाहिए होगा ना। जब ये रखा हुआ था तो नॉर्मल फोर्स भी कितना लग रहा था? 50 newton। तो जब मुझे इसको उठाना है तो मैं इतना फोर्स मिनिमम लगाना पड़ेगा किसका? नॉर्मल जितना फोर्स लगाना पड़ेगा जब पहले रखा हुआ था तब के नॉर्मल की बात चल रही है। आया समझ में? यस सर। तो जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसके नॉर्मल फोर्स जितना फोर्स लगा रहा हूँ। जब मैं कोई ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवा रहा हूँ, हिला रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं क्या कर रहा हूँ? उसका मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है उसको ओवरकम करने जितना फोर्स लगा रहा हूँ। हाँ या ना? आया समझ में? हाँ ना? अरे बोलो बेटा, सो गए क्या? यस सर। ओके तो हुआ क्या, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो स्लाइड करने का फोर्स है। कितना स्लाइड कराने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा? मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स है वो क्या है? उठाने के लिए जो फोर्स लगा रहा हूँ वो है। अब एक बात बताओ, जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाना इजी रहेगा या स्लाइड करना? स्लाइड करना इजी है। मतलब ये कम है, इजी है मतलब क्या हुआ? मैंने स्लाइड करने में कम फोर्स लगाया और उठाने का फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी केस एफ मैक्सिमम जो होगा वो नॉर्मल फोर्स से तो कम ही होगा। स्लाइड करना इजी है, उठाना मुश्किल है। तो ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? 0 और 1 के बीच में आ रही है। समझ में आया? कोई डाउट? नो सर। लिख लिया, चलो आगे लिखो। अब एक बार ये मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स मैंने फ्रिक्शन फोर्स के मैक्सिमम जितना लगा दिया, उसके बाद वो क्या करने वाला है? मूव करने वाला है, राइट? तो अब जब मूव करता है तो एक चीज याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो कंटिन्यूअसली नई नई इंटरलॉकिंग फॉर्म हो रही है। जब मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस यहाँ पे इंटरलॉकिंग फॉर्म हो रही है और कंटिन्यूअस इंटरलॉकिंग ब्रेक भी हो रही है। पुरानी वाली जो है वो ब्रेक हो रही है और वो जो आगे जा रहा है तो नई इंटरलॉकिंग फॉर्म कर रहा होगा, राइट? अब ये जब ऑलरेडी मूव कर रहा है तो ये इंटरलॉकिंग होने में जो टाइम मिलना चाहिए वो सफिशियंट टाइम नहीं मिलेगा। मतलब जो इंटरलॉकिंग की स्ट्रेंथ होगी वो स्टैटिक के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ अब कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? अरे समझ में आ रहा है? एक सिंपल ऑप्शन, जब तुम स्टैट से गिरते हो, ये स्टैट से मान लो इधर से कोई आदमी गिर रहा है, कब जाके रुकता है? नीचे जाकर। पूरा ही गिरता जाएगा। क्यों गिरता जाता है पूरा ही? बिकॉज एक बार गिरा तो उसके बाद इंटरलॉकिंग बहुत कम हो रही है, उसको ब्रेक लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है। सिमिलर वे जब ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जब आगे की तरफ मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली आगे मूव कर रहा है, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंटरलॉकिंग नई ब्रेक होती रहेगी और बनती रहेगी आगे वाले सरफेस के साथ। तो जो ये इंटरलॉकिंग होने का जो टाइम मिलता है, क्योंकि वो मूव कर रहा है तो इंटरलॉक होने का इतना अच्छी तरह से टाइम नहीं मिलेगा इंटरलॉक होने का। स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, स्ट्रेंथ कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? अब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कम होगा एज कंपेयर टू पहले लग रहा था। आया समझ में? मतलब स्टैटिक में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा पर जब मूव कर रहा है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा बिकॉज स्ट्रेंथ कम हो रही है इंटरलॉकिंग की। आया समझ में? सर थोड़ा कम हो जाएगा कि कम होता रहेगा? कम होता है जनरली कम होता है, कम होता रहेगा ऐसा नहीं बोलेंगे। स्पीड बढ़ने से फ्रिक्शन फोर्स एक बार कम हो जाएगा, फिर उतना ही चलता रहेगा, राइट? सो उसको मैं कहूंगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसीलिए ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जब एक बार मूव हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम होगा और फिर कॉन्स्टेंट होगा, थोड़ा कम होके फिर कांस्टेंट होगा। ये वाला जो पार्ट है उसको मैं क्या कहते हैं?
स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे. ओके यहां से यहां तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. और ये जो मैक्सिमम है वो क्या है, उसका नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन. समझ में आ गया तीनों फ्रिक्शन? समझ में आ गया. आगे लिखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखो और फिर ग्राफ बना लो. सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखो. हाँ बोलो. ये जो ग्राफ बनाया है आपने वो अभी बनाना है? हाँ अब बना लो, पहले नहीं बनाना था, बोला था ना थोड़ा सा चेंज होने वाला है इसलिए. हाँ बोलो सर. ऐसे किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि हम फ्रिक्शन को एक्सेलरेशन के लिए यूज करें? फ्रिक्शन को एक्सेलरेशन के लिए यूज नहीं कर सकते. हाँ कर सकते ना, जैसे मैं करता हूँ. चलो डिस्कस करता हूँ, पहले ये लिख लो. स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिखो. द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर इन मोशन रिलेटिव टू ईच अदर. They are in motion relative to each other is called sliding friction. It's called sliding friction. Sir, object के बाद पे लिखा आपने. Object when लिखा है, sorry. When they are in motion relative to each other. ये सब लिख लिया था ना, coefficient of friction. चलो आगे लिखो. As object is in motion, next point में लिखना है. As object is in motion, as object is in motion, the irregularities gets less time to get interlocked and hence sliding friction is less than static friction. ओके स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. इसके बाद ग्राफ बना लो. मतलब पहले भी बना होगा तो चलेगा, फिर इतना लिख लो. ग्राफ भी पूरा बना लो, फिर मैं बोर्ड रब करने वाला हूँ. जल्दी से लिख लो. बोलो सर. ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी सर हम लोग वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू एन? हाँ कर सकते हैं, वही मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट. और सर ये मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर सिर्फ इसी वजह से होता है ना कि कम टाइम मिलता है इंटरलॉकिंग करने? इंटरलॉक होने में कम टाइम मिल रहा है इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक से. तो सर जैसे हमने फोर्स लगाया तो अभी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो सर अगर उसकी स्पीड और बढ़ गई, अगर आगे बढ़ी तो और कम टाइम मिलेगा तो क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन और कम हो जाएगा फिर? मतलब कॉन्स्टेंट पर बाद में क्या होगा बेटा? कांस्टेंट इसलिए हो जाता है कि भले ही उसकी स्पीड बढ़ रही होगी पर जो इंटरलॉकिंग में जो टाइम का जो वेरिएशन आता है वो इतना ज्यादा नहीं होता. अगर बहुत स्पीड बढ़ा दोगे तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ अब क्या होगा, अब वो हो सकता है. तो अब कांस्टेंट नहीं रहेगी ना? और नहीं कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट इसलिए रहेगा, तुम ध्यान से सोचो. मान लो एक बार मोशन होना चालू हो गया. अब होता क्या है, मान लो ये बॉक्स जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ओके, और लेट से दूसरा बॉक्स जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से. अब तुम ऐसा कहना चाहते हो कि 5 मीटर पर सेकंड और स्पीड उसकी दूसरे की 10 मीटर, मतलब डबल स्पीड हो गई, तो फ्रिक्शन हाफ हो जाना चाहिए. तुम ऐसा दिमाग में जा रहा है ना तुम्हारे? इंटरलॉकिंग के लिए कम टाइम मिलेगा. बट देखो बेटा एक्चुअल में है क्या, फ्रिक्शन फोर्स क्यों लग रहा था? इंटरलॉकिंग एक दूसरे से टकराने वाली होगी. अब आ रहा है समझ में?
कंटिन्यूअसली इंटरलॉकिंग एक दूसरे से टकराती रहेगी, इसकी वजह से अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। पहले क्या हो रहा था, इंटरलॉक हो रहा था अच्छी तरह से और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। अब क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग इस तरह से जा रही हुई एक दूसरे के ऊपर से। आ रहा है समझ में सर? अब ये जितनी जोर से भी टकराएगी उतना जोर का फ्रिक्शन फोर्स भी तो लगेगा ही लगेगा। अगर स्पीड है तो क्या होगा, जोर से एक दूसरे के साथ टकराएगी। आ रहा है समझ में? यस सर। तो अब क्या होगा, भले ही स्पीड बढ़ जाएगी, टाइम कम लगेगा, बट जो मोमेंटम है उसका, या फिर जो जिस मोमेंटम से वो सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, उसकी वजह से फ्रिक्शन पे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज धीरे धीरे आएगा तो स्लो टकराएगी, बट इंटरलॉकिंग के लिए टाइम ज्यादा मिलेगा। फास्ट जाएगा तब क्या होगा, टाइम कम मिलेगा पर जोर से टकराएगी। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है एक तरह का, वो यहाँ पे एक कोलिजन हो रहा है, ऐसा समझ सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट से कोलाइड कर रहा है। आ रहा है समझ में? जब स्लाइड कर रहा होगा, ज्यादा स्पीड से स्लाइड करेगा, तब हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। और इसलिए जनरली हम लोग बोलेंगे कि स्पीड के साथ फिर ज्यादा फ्रिक्शन पे फर्क नहीं आएगा। यस बोलो बेटा, कौन कुछ बोल रहा था? सर अगर स्पीड कम है, स्पीड कम है तो इंटरलॉक के टाइम मिल जाएगा, मतलब थोड़ा, मतलब उतना जितना नहीं होगा जितना स्टैटिक होता था, लेकिन थोड़ा तो होगा इंटरलॉक। हाँ होगा ना, स्पीड कम है तो। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा। Okay, मैं वही तो बता बेटा, जब स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा, जो एक दूसरे कोलिजन जो हो रहा है वो तुम्हारा बढ़ जाएगा, और वो अब एक नया फ्रिक्शन क्रिएट कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में? चलो हटा दो, इतना लिख लिया सबने, हटा दो इसको। यस सर। चलो लास्ट चीज अब लिख लेंगे हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो हम डिस्कस। हाँ बोलो बेटा। हम स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रिलेशन बता सकते हैं? नहीं, स्लाइडिंग एंड स्टैटिक का रिलेशन नहीं होता। ओके, देखते आगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वैल्यूज हम चेक करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यूज कितनी लगेगी। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। लास्ट टॉपिक है आज का अप्लाइड फोर्स। हाँ, टाइम कितना बाकी है? हो गया सर, हो गया सर, हो गया है। ये लास्ट टॉपिक है, दो मिनट रुक जाओ। ठीक है सर। अप्लाइड फोर्स, व्हेन अप्लाइड फोर्स is less than or equal to F max. ये पहली चीज लिख लो। जब तुम्हारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम या उसके इक्वल होगा, उस केस तक जो एक्चुअल फ्रिक्शन लग रहा होगा वो किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? ये F max जो है वो एक्चुअल में क्या है, F max को मैं क्या और क्या लिख सकता हूँ, म्यू इंटू एन। बेटा यहाँ पे म्यू के नीचे एक एस लिख लो, म्यू एस एन। ओके, वेर वेर म्यू एस इज व्हाट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, जब मोशन होगा तब क्या होगा, तब फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू इंटू के एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, कब, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन म्यू एस एन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा था उससे ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, म्यू के एन। म्यू के में म्यू क्या है, म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब हम क्या कह सकते हैं उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन लिख लिया।
ओके और म्यू के और म्यू एस में रिलेशन क्या होगा, तो मैं बोल सकता हूँ म्यू एस जो होगा वो ग्रेटर होगा म्यू के से। और जब कुछ भी नहीं दिया हो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ म्यू बोला हुआ है, ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि म्यू एस है या म्यू के है, तब मैं दोनों को क्या मानेंगे, तब दोनों को इक्वल मान के कि न्यूमेरिकल्स तुम कर सकते हो। आया समझ में? यस सर। ओके, जब न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, सिर्फ एक ही म्यू दिया है, तो वो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन का मान के, भले ही अब वो स्लाइड कर रहा है तो भी मैं इक्वल मान के काम कर सकता हूँ। बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, जल्दी से लिख लो फिर बंद करते हैं आज का। डन। चलो बाय बाय।